मूवी का स्टार्ट हस्बैंड जेनी और वाइफ एला से होता है, जो बहुत खुश अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि एक दिन उन्हें अपने डोरस्टेप पर एक पैकेज मिलता है जिसके खोलने पर एक पपेट डॉल यानी वेंट्रिलोक्विस्ट डॉल निकलता है जिसका नाम बिली होता है। वो दोनों ये डॉल देखकर समझ नहीं पाते कि किसने उन्हें भेजी है। अलिसा जेमी को सोच में देखकर डॉल को पकड़ती पोएम का जिक्र करती है जो उसे पूरी आती नहीं होती, लेकिन उसे इतना याद होता है कि वो मैरी शॉ नामी औरत पर थी जिसने डॉल्स को अपने चिल्ड्रन बनाया हुआ था। जेमी लिसा की बातों को मजाक कहता घर से डिनर लेने जाता है, जबकि पीछे रही लिसा जेमी के साथ मजीद मजाक करने के लिए बिली को बेड पर रख के क्लॉथ से कवर कर देती है। तभी लिसा को बाहर चलता अपना म्यूजिक बंद होता सुनाई देता है, जिस पर वो बाहर आती है तो वाटर के बॉयल होने पर आवाज निकालती केटल और क्लॉक दोनों की आवाज बंद हो जाती है और साथ ही पीछे रूम से आवाज आती है। लिसा बिली पर से क्लॉथ हटाकर उसे चेक करने लगती है तो उस पर क्लॉथ डालकर दूर फेंका जाता है और लिसा जब जख्मी हुई मुड़ के देखती है तो उसे रूम में घसीटा जाता है। थोड़ी देर बाद जब जेमी घर आता है तो वो कॉरिडोर में खून देखकर लिसा को आवाज देता है, जिस पर वो लिसा को ढूंढता हुआ रूम के अंदर जाता है और वहाँ क्लॉथ हटाने पर उसे टंग कटी मरती हुई लिसा मिलती है। पुलिस को कॉल की जाती है तो पुलिस बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेती है और लिसा के मर्डर के लिए जेमी को सस्पेक्ट मानते हुए डिटेक्टिव लिप्टन जेमी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिस पर जेमी अपने आप को इनोसेंट बताता कहता है कि ये सब बिली ने किया है क्योंकि उनके होम टाउन में ये माना जाता है कि डॉल्स अपने किड लोगों को मार देती है। लिप्टन उसकी बात पर यकीन नहीं करता लेकिन उसके खिलाफ एविडेंस न मिलने पर उसे बेल दे देता है, जिस पर जेमी के लिए अपनी इनोसेंस प्रूव करने का वादा करता वहाँ से चला जाता है। वो घर जाकर पैकेज को दोबारा चेक करता है तो उसे बॉक्स पर मैरी शॉ के बारे में लिखा मिलता है, साथ ही उसे अपने होम टाउन का नाम दिखता है, जिस पर वो वहाँ जाने का फैसला करता निकल जाता है और जब वहाँ पहुँचता है तो सबसे पहले अपने फादर एडवर्ड को मिलने जाता है, जहाँ साथ ही उसकी न्यू वाइफ एला भी मौजूद होती है। जेमी इन दोनों से मैरी शॉ की पोएम के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं के पोइम में बताया गया था कि मैरी शॉ के पास डॉल्स ही चिल्ड्रन थे और ये भी कि अगर वो किसी को देखे तो वो देखकर स्क्रीम ना करे। वो दोनों जेमी को ये सिर्फ एक पोइम होने का कहते हैं, लेकिन जेमी उनकी कुछ भी सुने बगैर वहाँ से निकल जाता है और लिसा के फ्यूनरल के लिए फ्यूनरल हाउस जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात हेनरी से होती है। जेमी फ्यूनरल की अरेंजमेंट करके होटल जाता है और वहाँ रूम लेकर रात होने पर सो जाता है और उसके सोते हुए ही सारी आवाजें बंद हो जाती हैं, लेकिन जेमी को आवाज आती है जिस पर वो उठ जाता है। उसे अपने बिल्कुल सामने बिली बैठा दिखता है और विंडो के पास कोई औरत दिखती है, जिसे देखकर जेमी डरता लाइट ऑन करता है, जिस पर वो औरत गायब होती है और साथ ही बिली अपनी जगह पर बैठा होता है। उधर फ्यूनरल हाउस में लिसा की बॉडी रिसीव होती है तो हेनरी उसे देखकर डर जाता है और उसे बेसमेंट से आवाज आती है, जिस पर वो अपनी मेंटली इल वाइफ मैरियन को बेसमेंट से निकालता है और मैरियन कहती रहती है कि वो वहाँ इसलिए गई थी क्योंकि वो औरत वहाँ नहीं आ सकती। हेनरी मैरियन को उधर से भेजकर वापस आराम से अपना काम करने लग जाता है। अगली सुबह फ्यूनरल होता है और सैड जेमी फ्यूनरल से वापस जा रहा होता है तो उसे कोई औरत दिखती है, जिसे वो फॉलो कर रहा होता है कि उसके पास मैरियन आती है, जो उसे किसी औरत के वहाँ आने का बताती है और हेनरी के वहाँ से ले जाते हुए बिली को बरी करने का कहती है। उसके जाने के बाद जेमी जाने लगता है तो उसकी नजर ग्रेव पर पड़ती है, जो मैरी शॉ की होती है, जो देखकर जेमी फौरन अपने रूम में जाता है और वहाँ से बिली को लेकर ग्रेवयार्ड जाता है, जहाँ उसे वो मैरी की बाकी 100 डॉल्स के साथ बरी कर देता है। वो अपने होटल रूम में वापस आकर फ्रेश हो रहा होता है कि उधर लिप्टन बिली को लेकर आता है और जेमी पर अभी भी शक करते हुए पूछता है कि वो क्यों एक एविडेंस को बरी कर रहा था, जिसके जवाब में जेमी उसे मैरी शॉ की पोएम दोबारा बताता है, जिसे झूठ मानते हुए लिप्टन बिली को लिए उसी होटल में अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह लिप्टन जॉब के लिए निकलता है तो जेमी उसके रूम से बिली को लेकर फ्यूनरल हाउस जाता है ताकि वो मैरियन को बिली दिखाकर उसके बारे में पूछ सके, लेकिन जब जेमी मैरियन को बिली दिखाकर उसके बारे में पूछ रहा होता है कि हेनरी वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता
जाता है। हेनरी जेमी को स्टोरी सुनाता है तो हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हेनरी छोटा था तो टाउन पॉपुलेटेड था और सारे लोग थिएटर में मैरी का शो जरूर देखने जाते थे। और इसी तरह जब वो एक दिन उसका बिली के साथ खुशी खुशी शो देख रहे होते हैं कि एक बच्चा माइकल मैरी को एक्यूज करता है कि उसके लिप्स हिलते देखे हैं, यानी बिली नहीं बल्कि मैरी बोलकर बिली की आवाज निकाल रही है। ये सुनकर बिली को बहुत गुस्सा आता है लेकिन मैरी सिचुएशन को संभाल लेती है। प्रेजेंट में हेनरी बताता है कि अगले कुछ दिनों में माइकल गायब हो गया, जिस पर हेनरी को लगता था कि मैरी ने ही कुछ किया है। लेकिन कुछ दिनों बाद मैरी का मर्डर हो गया और उसके विल के मुताबिक उसे डॉल बनाकर अपनी 101 डॉल्स के साथ बरी करना था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हेनरी के फादर का फ्यूनरल हाउस था, इसीलिए हेनरी रात को चुप करके मैरी की बॉडी देखने जाता है और उसे देख रहा होता है कि वो उसके ऊपर गिर जाती है, जिस पर वो डर के पीछे होता है तो मैरी जिंदा खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर हेनरी अपनी स्क्रीम रोकने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लेता है कि तभी वहाँ हेनरी का फादर आता है तो मैरी फिर डेड हो जाती है। प्रेजेंट में हेनरी जेमी को पिक्चर्स दिखाकर बताता है कि जब से उन्होंने मैरी को बरी किया है तब से टाउन के लोग मरने लग गए हैं और वो लिसा जैसे ही टंग कटे हुए मरे मिले थे। जेमी ये सब सुनकर मैरी के खिलाफ एविडेंस ढूंढने उसी थिएटर की तरफ निकलता है जहाँ मैरी रहा करती थी, जबकि दूसरी तरफ लिप्टन मैरी की डॉल्स की ग्रेव्स खोलने गया होता है। इधर जेमी टाउन की दूसरी एंड पर मौजूद थिएटर जाता है जहाँ वो थिएटर से होता हुआ मैरी के रूम पहुँचता है तो उसे वहाँ मैरी की डायरी मिलती है जिसमें उसने डॉल्स को बनाने के मेथड्स लिखे होते हैं, साथ ही मिसिंग चाइल्ड माइकल की न्यूज़पेपर से हेडलाइंस काट के लगाई होती हैं, जिसे पढ़ के जेमी को पता चलता है कि माइकल जेमी का ग्रेट ग्रेट अंकल था। और उसे देखते हुए ही जेमी को मिरर में अपने पीछे कोई औरत मरी हुई दिखती है जो मुड़कर देखने पर वहाँ नहीं होती। उधर हेनरी मैरियन को बिली से बातें करते देखता है तो उसे अपने साथ दूसरे रूम में ले जाता है जहाँ वो बिली को रखता ही है तो उसे बेसमेंट से रोने की आवाज आती है, जिस पर वो मैरियन की आवाज सुनकर बेसमेंट में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता, साथ ही उसके पीछे से डोर बंद हो जाता है। और जब हेनरी उसके करीब जाता है तो उधर मैरी हेनरी पर अटैक करती उसकी टंग काट देती है। उधर जेमी माइकल के बारे में पूछने एडवर्ड से मिलने जाता है जहाँ एडवर्ड जेमी को बताता है कि जब माइकल मिसिंग हुआ था तो उसकी फैमिली ने समझा था कि मैरी ने उसे मारा है, इसीलिए उन्होंने उसके घर जाकर उसकी टंग काट कर उसे मार दिया, जिसके बाद भी मैरी नहीं मरी बल्कि उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मारने वाले लोगों को मार दिया, मगर वो फिर भी ना रुकी और उनकी आगे जनरेशंस को भी मार दी गई, इसीलिए उसने जेमी को भी दूर भेजा हुआ था। जेमी एडवर्ड पर गुस्सा करता वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ लिप्टन आ जाता है जो जेमी को डॉल्स के गायब होने का जिम्मेदार समझता हुआ उनके बारे में पूछता है, लेकिन जेमी को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर भी लिप्टन उसकी बात ना मानते हुए उसे अपने साथ चलने का कहता है कि तभी एला जेमी को कॉल आने का बताती है और जेमी कॉल उठाता है तो वो हेनरी होता है जो जेमी को बताता है कि उसे इनोसेंट प्रूफ करने के लिए एविडेंस मिल गया है जिसके लिए उसे थिएटर जाना होगा। जेमी कॉल काट कर लिप्टन को ये सब बताता है तो वो उसे अब सब छोड़ के अपने साथ स्टेशन जाने का कहता है, जिस पर जेमी उसको पुश करके वहाँ से भागता अपनी गाड़ी में बैठता वहाँ से निकल जाता है और लिप्टन उसके पीछे आता है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि दोनों आगे पीछे थिएटर पहुँचते हैं तो उन्हें हेनरी की आवाज आती है जिसे फॉलो करते हुए वो एक रूम में आते हैं जहाँ कर्टन्स हटने पर उन्हें सारी डॉल्स ग्लास केस में दिखाई देती हैं, लेकिन बिली उसमें नहीं होता। और तभी जेमी की नजर दूसरी तरफ क्लॉथ में छुपी चीज पर पड़ती है जिसके उठाने पर उन्हें एक बॉय की बॉडी डॉल बने दिखती है। वो उसे छोड़कर डॉल्स की तरफ देख रहे होते हैं तो वो सारी डॉल्स नेक मोड़कर एक तरफ देखने लग जाती हैं जहाँ मैरी की डॉल्स चेयर पर बैठी होती है, जिसे देखकर जेमी उससे माइकल के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उनके सामने डॉल बनी बॉडी माइकल की है। और जेमी उससे लिसा की मर्डर की वजह पूछता है तो वो उसे करीब बुलाती है और जेमी लिप्टन की ना मानते हुए उसके करीब जाता है, जिस पर वो बताती है कि वो अपनी फैमिली का लास्ट पर्सन था। साथ ही डॉल से लंबी टंग निकलती है तो जेमी पीछे हो जाता है। तभी असल मैरी डॉल को उठाकर अपने सामने लाती अपनी टंग निकालती है, जिस पर डरता लिप्टन उन्हें शूट करता है, जिसके बाद मैरी बाकी डॉल्स में शिफ्ट होने लग जाती है, जो देखकर लिप्टन पहले उन्हें शूट करता रहता है और फिर उन्हें सारों को खत्म करने के लिए आग लगा देता है और वो दोनों माइकल के उठने पर वहाँ से भागते हैं। बीच में
ही स्क्रू ढीले होने की वजह से चीखता लिप्टन नीचे गिरता है तो मैरी उसकी टंग काटती हुई उसे मार देती है और फिर जेमी के सामने आती है, जिस पर जेमी डरता नीचे गिरता है और बोट तोड़ता लेक में गिर जाता है। वो वहाँ से स्विम करता दूसरी तरफ निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तब उसे एक ही डॉल के बच जाने का ख्याल आता है, जिस पर वो वहाँ से निकल जाता है। वो हेनरी के घर जाता है तो मैरियन हेनरी की बॉडी को पकड़ के रो रही होती है और जेमी के पूछने पर बताती है कि बिली को एडवर्ड ले गया है, जिस पर जेमी हैरान होता है क्योंकि एडवर्ड तो व्हीलचेयर पर होता है। जेमी मैरियन को वहीं छोड़कर अपने घर जाता बिली को ढूंढता है और जब उसे बिली मिलता है तो वहाँ मैरी आती है, जिस पर जेमी फौरन उसे फायर में फेंक देता है और मैरी वहाँ से चली जाती है। जेमी अभी सुकून ले ही रहा होता है कि उसकी नजर व्हीलचेयर पर बैठे एडवर्ड पर पड़ती है, जिस पर वो लाइट ऑन किए उसके करीब जाता है तो उसे पता चलता है कि एडवर्ड तो कब से मर गया हुआ था मगर डॉल बना हुआ था। और उससे याद आता है कि एला मैरी की परफेक्ट डॉल थी जो एडवर्ड को कंट्रोल कर रही थी। और उसके ये सब याद करते हुए ही पीछे से एला आती है और मैरी की शक्ल लेकर जेमी को मार देती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।